Assalamu alaikum dear students. Today we'll be start exercise 2.5. Question number 1. So use the synthetic division of find the equation quotient and remainder R when the first polynomial is divided by the second polynomial binomial each. So student dekh le isme ke 3x cube plus 2x square minus x minus 1 aur dusra jo polynomial hai wo kya hai x plus 3. Solution is let px, isko humne p ka naam de diya students, ye jo aapko nazar aa raha hai ye aapko, isko humne p ka naam de diya aur isko humne simple jo dusre form mein likha hai jo aapko x minus r ke form mein nazar aa raha hai, theek hai students, x plus 3. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको वो थोड़ा सा भी आपको क्लियर करता चला जाओ तो माइनस इनटू माइनस 3, तो एक्स एक्स की जगह पर माइनस माइनस की जगह पर और आर की जगह पर यहां क्या है माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3, आर की वैल्यू माइनस 3, बहुत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. सो यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दे ले, देख एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 1, पहले x क्यूब के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, x क्यूब के कोएफिशिएंट, फिर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, फिर x के कोएफिशिएंट को, फिर कांस्टेंट को हमने क्या करना होगा लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देख लें x क्यूब का कोएफिशिएंट 3 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट -1, कांस्टेंट फ्रॉम आल्सो भी -1 और जो x की ये 3 वैल्यू है ये -3 आ जाएगी यहां पर, ये जो वैल्यू ये वैल्यू -3 यहां पर आ जाएगी, इस 3 को उसी तरह से शिफ्ट कर लें. अब देख ले स्टूडेंट्स थोड़ा सा, इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और यहां पर ले तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, 3 3 का -9, 2 और -9 को ऐड कर ले तो -7, अब 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले -7 तो आ जाएगा 21, फिर 21 को इससे सेपरेट कर ले तो 20, फिर 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 20, 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 60, इन दोनों को ऐड करे तो -61 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो जो लास्ट में आपके साथ नंबर आता है वो आपका रिमाइंडर होता है और जो ये बाकी दो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स ये वाले, ये x क्यूब था तो x स्क्वायर से स्टार्ट कर ले, 3x स्क्वायर -7x plus 2 ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा जो हमने यहां पर लिखा भी है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये आप खुद कर ले यहां से. हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. Using synthetic division to find the value of k. आपने synthetic division को use करना है if -2 is the zero of the polynomial x cube plus 4x square plus kx plus 8. ये polynomial given है, इसमें आपने k की value को find करना है by using synthetic division. उसी तरह synthetic division और इस -2 का क्या मतलब है कि ये solution है, ये x की एक value है आपके साथ, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ के सिंथेटिक डिवीजन सॉल्यूशन उसने वही लिख किया है कि हमने फाइंड करना है. अब देख ले x की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट, क्योंकि x की जो वैल्यू थी वो -2 थी, तो अब देख लें x की वैल्यू क्या है -2. अब देख ले x क्यूब का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट k, कांस्टेंट टर्म 8. सो ये 1 4 k और 8 हमने लिख लिया. अब -2 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 1 के साथ, ये माने उसी तरह से रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई किया -2, 4 -2 is equal to 2, फिर इन -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर -4 आ जाएगा k -4, फिर इस -4 को k -4 2 को k -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -2k plus 8, -2 के अपनी जगह पर 8 और 8 को मल्टीप्लाई 8 कर ले तो 16 आ जाएगा, दैट इज अ रिमाइंडर. और कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर 0 पे रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो 16 -2k is equal to 0 and 2k अपनी जगह पर देख ले और 16 को शिफ्ट कर ले तो -16 हो जाएगा, -2 पे डिवाइड कर ले तो आपका आंसर k is equal to 8 आ जाएगा. इस तरह स्टूडेंट्स ये जो है x plus 1 x minus 2 ये दो पॉलीनोमियल है और अब आपने p और q की वैल्यू इस टर्म में फाइंड करनी है. तो x यहां से x की वैल्यू 2, ऊपर वाले से x plus 1 is equal to 0 तो x की वैल्यू -1, x की दो वैल्यूज हैं और p और q दो वेरिएबल को फाइंड करना है, x cube का coefficient 1, x square का coefficient p, x का coefficient q and 6 अपनी जगह पर आ जाएगा. 1 को उसी तरह नीचे draw कर ले, 1 minus 1 को multiply कर ले 1, 1 को फिर multiply करे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा,
पी माइनस वन आ जाएगा, पी को माइनस वन को पी माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी प्लस वन आ जाएगा, तो क्यों माइनस पी प्लस वन ये आ जाएगा। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्यू प्लस पी माइनस वाई फाइव, क्योंकि माइनस है जिस टर्म के साथ माइनस वहां पर प्लस, जहां पर प्लस वहां पर माइनस आ जाएगा। पी अपनी जगह पर क्योंकि प्लस में है, माइनस क्यू सेकंड में लिख लिया और माइनस फाइव अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज माइनस फाइव, दैट इज नॉट प्लस फाइव, दैट टर्म इज माइनस। अच्छा स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट ये माइनस वन है, अच्छा ये वन है, वन तो सिक्स से वन को कैंसिल करो तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, पी माइनस क्यू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर है। अब इसी को ये जो नजर आ रहा है इसी को दोबारा हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर टू जो हमारे साथ सेकंड एक्स की वैल्यू उस पर डिवाइड किया तो वन उसी तरह से आ जाएगा, वन टू जा टू तो पी प्लस वन आ जाएगा। इस तरह टू को वन पी प्लस टू, इसके मतलब टू पी प्लस टू पी प्लस टू आ जाएगा। पी से टू को वन पी को कैंसिल करे तो पी क्यों से कैंसिल कर ले तो क्यों अपनी जगह पर प्लस थ्री, पी प्लस क्यों प्लस थ्री ये भी रिमाइंडर है, ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एडिंग दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन वन आपके साथ था और इक्वेशन टू आपके साथ था इसको एड कर लें स्टूडेंट, तो क्यों क्यों कैंसिल, वन पी इज इक्वल टू पी प्लस एट आ जाएगा। एट को शिफ्ट कर ले तो माइनस एट हो जाएगा। पी पर बोथ साइड डिवाइड कर ले, टू पे बोथ साइड डिवाइड कर ले स्टूडेंट तो p इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। पुट p इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन वन, तो माइनस फोर माइनस क्यू प्लस फाइव, यहां से फाइव माइनस फोर प्लस वन, वन को तरफ शिफ्ट करो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल करें तो q की वैल्यू वन आ जाएगी। p और q दोनों की वैल्यू आपने फाइंड। इसी तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री का, वो आप यहां से खुद कर ले स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका एक क्यूबिक रूट आपको गिवन है थ्री, यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते एक वैल्यू गिवन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे px। अब देख ले स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसकी जगह पर हमने जीरो पुट करना है, एक्स क्यूब की जगह पर वन, एक्स स्क्वायर की जगह पर जीरो, x का कोएफिशिएंट माइनस सेवन और कांस्टेंट टर्म माइनस सिक्स, और थ्री को एक फैक्टर है तो थ्री पे डिवाइड किया, वन थ्री जा थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री, वन थ्री थ्री जा नाइन, नाइन नाइन माइनस सेवन टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स तो जीरो आ जाएगा। अब ये जो वन थ्री एक्स टू अपनी जगह पर, थ्री के साथ एक्स, वन के साथ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, सो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन आ गया लास्ट में, और एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो को पुट किया, एक्स की वैल्यू माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, हेंस द अदर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज माइनस टू माइनस वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5, इफ वन एंड टू आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ है एक्स पावर फोर है और उसके दो रूट्स गिवन है माइनस टू वन, और उसके बाकी रूट्स निकालने हैं, एक्स फोर का कोएफिशिएंट वन, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस फाइव, एक्स टू का कोएफिशिएंट थ्री, एक्स का कोएफिशिएंट सेवन, कांस्टेंट टर्म टू। वन को उसी तरह से ले आए और माइनस वन टू के साथ स्टूडेंट देख ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया वन आ जाएगा माइनस वन, फिर सिक्स आ जाएगा, फिर वन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस सिक्स थ्री नाइन आ जाएगा, फिर वन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन, यहां से माइनस टू, और फिर जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू आ जाएगा, तो यहां से जीरो आ जाएगा, एक रिमाइंडर जीरो है। फिर टू पे डिवाइड किया इस जो नीचे कोएफिशिएंट आ गए, फिर वन अपनी जगह पर, वन टू जा टू माइनस फोर, वन माइनस टू माइनस फोर मल्टीप्लाई कर ले, टू माइनस फोर को मल्टीप्लाई किया माइनस एट आ जाएगा, फिर नाइन और एट को सब एड कर ले वन, वन टू जा टू, टू से सब्ट्रैक्ट कर ले तो जीरो। अब देख ले स्टूडेंट्स, ये जो तीन टर्म रहेगा एक कांस्टेंट है, एक एक्स का है, एक एक्स स्क्वायर का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए पुट किया और फिर सॉल्व किया बाय फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, जब बाय फार्मूला सॉल्व किया तो इन द एंड आपके एक्स के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री और दूसरी एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये आपके दो वैल्यूज आ गए एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहां पर के की वैल्यू को भी फाइंड करना था, यहां पर पी क्यू ए बी की वैल्यू को भी फाइंड करना था, एक्स की जो लास्ट दो क्वेश्चन में उसमें हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना था,
तो 2.5 का एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपका एंड हो जाता है जो कल हमने अपलोड किया है, था जिन स्टूडेंटों ने भी उसको देखा है तो उसमें कुछ मसला था, उसको मैं रिमूव कर लूंगा उससे और इसको अपलोड कर लूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।